और ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिल्पा पुंडी दिल्ली के मयूर विहार में है, ब्रिजेश श्रीवास्तव डंपिंग ग्राउंड के पास है, वहां की क्या स्थिति है ये भी हम समझेंगे। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त कुमुद सकलानी भी जुड़ चुकी है, पर्यावरण विद है, आप देहरादून से बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमुद जी। सबसे पहले शिल्पा का रुख करती हूँ। शिल्पा मुझे एक बात बताइए कि एक बार ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो गाड़ियों की संख्या है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, तो क्या ये समझे इस बार का इवेंट ऑट फेल है? बिल्कुल, ये लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या अनुभव हो रहा है। सर, अगर हम माने ऑड इवन पार्ट वन आया था, पर्यावरण को लेकर इतने दावे किए गए थे कि पोल्यूशन कम होगा, ऑड इवन टू में वो बात कहीं देखने को नहीं मिल रही, ना ही सरकारी तंत्र की तरफ से। और लोग कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है ऑड इवन टू में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऑड इवन में कुछ नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और भी उधर जो है डंप यार्ड में आग लगी हुई है, उस पर केजरीवाल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस बार आप कह रहे हैं कि 50,000 व्हीकल और ज्यादा है सड़कों पर, तो क्या कारण है इसका, लोगों ने तोड़ भी निकाल लिया है? हाँ, यस, इसमें क्या है कि इसमें स्टिकर 500-500 रुपए में जो है एनसीआर में बेचे जा रहे हैं, और उसको स्कैन करा कर कई कई गाड़ियों पर जो है लगवाया जा रहा है। कह रहे हैं कि गाड़ियां तो बढ़ रही हैं, और तो यानी कि फेल मान सकते हैं। अनूप जी हमारे साथ हैं। सर, हालांकि आप नोएडा से हैं पर दिल्ली आप आते जाते हैं, तो ये बताइए आपका क्या अनुभव है, जब दिल्ली आ रहे हैं तो क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? पास कहेंगे पार्ट टू को या फेल? ये बिल्कुल फेल है, और कायदे में तो ये पॉल्यूशन को लेकर करा गया था, पॉल्यूशन का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप किसी भी गाड़ी वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा ट्रैफिक स्मूथ हो गया। अरे, आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास है नहीं, गाड़ियों की लाइन लगा रखी है। एनसीआर के अंदर कम से कम 2,000 गाड़ियां पर डे बिक रही है, क्यों नहीं उसमें रोक लगाते आप जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? हम लोग रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं, क्या हमें ये उपयोग नहीं करें? आप कौन होते हैं कि एक दिन चलाइए एक दिन नहीं? अच्छा सर, ये बताइए गाड़ियों की संख्या भी बड़ी है तो ट्रैफिक, तो हमने देखा लंबा लंबा जाम भी कई जगह देखने को मिला है। ये सिर्फ जामी की बात नहीं है, आप ये देखिए, अगर आप, चूंकि मैं दवाइयों के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड प्रेशर के मरीज वगैरह जितने भी हैं, वो आपका 15 मिनट का सफर अगर 2 घंटे में हो रहा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्यों नहीं गाड़ी पर रोक लगाते? लोगों को भी लग रहा है कि लोगों की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाने वाला है ये ऑड इवेंट फॉर्मूला, और इस बार तो ये फेल होता नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रिजेश का भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले डंपिंग यार्ड से कैसे धुआं उठ रहा है और वहां की क्या सिचुएशन है, ब्रिजेश की रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ऑड इवन जैसे तमाम फार्मूलों को ला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कितनी संजीदा है वो ये तस्वीर है। ये भलसवा डंपिंग यार्ड है, और यहाँ पर पिछले काफी दिनों से लगातार इस जो कूड़े का ये जो पूरा पहाड़ है इस पर आग लगी हुई है, और ये आग अभी से नहीं बल्कि पीछे काफी दिनों से आग लगी हुई है और आग लगातार भड़कती जा रही है। आप देखिए किस तरीके से पूरा आसपास के पूरे उसमें पूरा ये जो धुएं और धुंध का माहौल बन गया है, ये समझ सकते हैं कि आखिर पॉल्यूशन यहाँ पर किस कदर हो रहा होगा। बावजूद इसके सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, सरकार एमसीडी पर और एमसीडी सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डाल रही है कि ये हमारे बस की बात नहीं कि कूड़े के इतने बड़े ढेर की आग को काबू में किया जा सके। यूं तो एमसीडी द्वारा फौरी तौर पर 1-2 टैंकर पानी के यहाँ पर छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े एरिया में ये पूरी आग लगी हुई है कि जिसे काबू में कर पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और इसी वजह से, इस पूरी आग लगने की वजह से जो धुंध है और जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे आसपास के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार कुंभकर्णी नींद में ही है और इस आग को बुझाने के लिए कोई भी जतन करती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राहुल त्रिपाठी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। और इस वक्त ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, मुझे एक बात ये बताइए कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्रदूषण को कम करना है, इवन ऑड को लागू करना होगा, दूसरी तरफ डंपिंग यार्ड से धुआं उठ रहा है वो शायद सरकार को नजर नहीं आ रहा है, क्या ये कहे डबल स्टैंड है पॉल्यूशन को लेकर सरकार का? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो सरकार का जो रवैया है वाकई में पूरी तरह से दोहरा रवैया है। एक तरफ ऑड इवन के जरिए आप पॉल्यूशन को कम करने की बात करें, दूसरी तरफ जरा पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए पीछे पूरा डंपिंग यार्ड है और यहाँ पर जबरदस्त रह रह करके धुआं उठता है, जैसे हवा तेज होती है वैसे यहाँ पर आग और तेज होती है और धुआं उठना, ठीक पीछे आप देखिए जबरदस्त आग दिखाई दे रही होगी ठीक पीछे। तो ये हालात हैं इस भलसवा डंपिंग यार्ड के, और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी हालत कितनी खराब है वो यहाँ पर देखिए। एक चीज ये बताइए आप लोग, यहाँ पर आप लोग
कितनी घुटन होती है यहाँ पर खड़े होना, मुझे 10 मिनट से खड़े हो रहा हूँ तो मुझे घुटन हो, आप लोग कैसे रह पाते हैं? सर पूरा पूरा दिन ऐसे ही घुटन रहती है, आग जलती रहती है, धुआं उठता रहता है, पूरा पूरा दिन धुआं उठता है यहाँ पर, ऐसे ही होता है पूरा पूरा दिन। कितनी दिक्कतें होती है सर आप लोगों को जो है यहाँ पर? मैं पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं टैक्सी चालक हूँ और 5 साल से मैं लगभग यही इसी स्टैंड से चलता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफी समय से 5 साल से यहाँ आग निरंतर ऐसी ही दिखाई पड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ देख पा रहे होंगे। क्या कोई ये इस आग को बुझाने का, पॉल्यूशन कम करने का कोई उपाय नहीं? एक दो बार हमने कंप्लेंट किया है, फायर ब्रिगेड से गाड़ी आती है, पर उसके बाद भी उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ा कि हमें कॉल मत किया करो, ये आग तो लगती ही रहती है। आग तो लगती रहती है, सरकार की संजीदा समझ में आता है आपको क्या लगता है? यहाँ पर रहना अपनी जान जोखिम में, सरकार ये कह रही है कि इवन ऑड को फेल करने के लिए इस तरह से आग लगाई गई है, साजिश की गई है, क्या एक तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है? इन लोगों से पूछिए, परेशानी बहुत ज्यादा, बड़ी परेशानी, बहुत दिक्कत है। ब्रिजेश अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो इन लोगों से जरा पूछिए कि सरकार कह रही है ये एक साजिश है ऑड इवन को फेल करने के लिए, तो क्या सरकार इस मामले को दूसरा एंगल देना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है? अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी सरकार कह रही है कि इस तरह की आग को जो है भड़का करके ये साजिश है ताकि ऑड इवन फेल हो जाए, तो क्या ये कोई नया मामला है कि ऑड इवन फेल करने के लिए साजिश रखी जा रही है? अगर पहली बात तो 24/7 की मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आम आदमी को अपनी मुहिम में शामिल किया है, और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये आग 5 साल से जल रही है। मेरे साथी जो मीडिया वाले हैं, मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ अभी एक हफ्ते के अंदर जब से ऑड इवन शुरू हुआ है। क्या ये आपको साजिश नजर आती है? आपको लगता मुझे ये वाकई में मुझे इसमें बिल्कुल साजिश ही नजर आती है। वजह कि मैं जो देख रहा हूँ 5 दिन के अंदर जो आग नजर आ रही है वो इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी। आग लगती थी निरंतर, यहाँ दिखाई पड़ती थी पर इतनी ज्यादा नहीं। आपको लगता है कि यहाँ इस वजह कुछ भी हो, हालात खराब हो रहे हैं आम आदमी के? बिल्कुल हालात खराब हैं सर, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है, मगर इस चीज को देखने वाला कोई नहीं होता। रोडों पे और पर्पज से और तरीके से देखा जाता है, मगर जिस चीज को प्रॉब्लम है उस चीज को कोई नहीं देखता। लगता है सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन है या इससे ज्यादा हालत खराब है? इससे ज्यादा हमारे को हालत खराब है, रोड पे इतना पोल्यूशन नहीं है जितना यहाँ पर। बिल्कुल एक तरह से रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। ये लोग बेहद परेशान हैं, इनको आगे समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जा रहा है, कि एक तरफ दिल्ली की समस्या कम करने की कोशिश हो रही है, प्रदूषण से मुक्त कैसे हो दिल्ली इसकी एक तरफ कोशिश होती है, लेकिन वही डंपिंग यार्ड जिससे लगातार धुआं उठ रहा है, लोग किस तरह से परेशान है ये भी हम देख रहे हैं।